हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स भी ज़रूर करिए। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? तो चलिए, आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग ये कैसे पहचानेंगे कि कौन सा क्ले पॉट जो है सॉफ्ट होता है और कौन सा हार्ड होता है देख के। तो देखिए, जैसे ये है, ये बहुत छोटे छोटे हैं और देखिए बहुत थिन भी हैं। ये देखिए, ये बहुत थिन भी हैं और बहुत छोटे हैं। तो ऐसे सॉसर या क्ले पॉट जो है हमेशा बहुत हार्ड होते हैं, जो बहुत पतले होते हैं। ये वाला जैसे है, ये देखिए, ये बहुत थिन है, तो ये वाला भी हार्ड होगा। ये वाले हैं जैसे, देखिए ये वाले हैं, ये बहुत थिन है दिखने में, तो ये वाले भी बहुत हार्ड होंगे। अब सॉफ्ट कौन से होते हैं? जैसे ये वाला क्ले पॉट है हमारा, ये जो है देखिए काफ़ी थिक है दिखने में, लेकिन ये क्ले पॉट जो है आपका काफ़ी सॉफ्ट होगा। ये वाला क्ले पॉट है, ये क्यों सॉफ्ट होगा? क्योंकि ये स्मोकी है। जो स्मोकी क्ले पॉट होते हैं वो भी सॉफ्ट होते हैं। अब देखिए ये वाले हैं, ये वाले हैं, ये स्मोकी हैं, तो ये वाले भी सॉफ्ट होंगे। ये वाला है, देखिए ये थिक है दिखने में, तो ये वाला भी सॉफ्ट होगा। ये स्मोकी है इसलिए सॉफ्ट होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो क्ले पॉट जो है, जैसे ये वाला क्ले पॉट है, ये देखिए ये स्मोकी नहीं है लेकिन ये थिक है। ये वाला थिन है देखिए और ये थिक है, तो जो थिक है वो हमारा हमेशा सॉफ्ट होगा। उसका कारण ये होता है कि जब हम इसको कुम्हार पकाते हैं भट्टी में, तो जो स्मोकी क्ले पॉट होते हैं हमारे, जैसे ये वाले हैं, इनमें क्या है, ये क्या कम टेम्परेचर पे पके हुए हैं। मतलब वहाँ पे धुआं ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, इसलिए ये वाले क्ले पॉट हमारे, जब इनको टेम्परेचर ज़्यादा नहीं मिला इसलिए ये सॉफ्ट होंगे। जबकि ये वाले क्ले पॉट हमारे हैं, ये बहुत हाई टेम्परेचर पे पके हुए हैं, इसलिए ये हार्ड होंगे। इसी तरह जो हमारे मोटे क्ले पॉट होते हैं, थिक होते हैं, ये जो है क्या है, फायर उतनी लगती है, आग इनको उतनी मिलती है, लेकिन ये चूँकि मोटे हैं तो अंदर तक बहुत अच्छे से नहीं सिक पाते हैं, इसलिए ये सॉफ्ट होते हैं। जबकि ये वाले हैं जैसे, ये थिन हैं, तो उसी उतनी ही फायर में, उतनी ही आग में ये भी सिक रहे हैं, तो इनको बहुत अच्छी तरह आग मिल गई क्योंकि ये थिन है, अंदर तक आग पहुंच गई, इसलिए ये हार्ड होंगे। इसी तरह इसके साथ भी वही चीज़ है। तो मैं आपको एक दो क्ले पॉट जो है तोड़ के भी दिखाती हूँ, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये सॉफ्ट हैं कि नहीं।
फ्रेंड्स आपने देखा कि ये जो हमारे मोटे वाले थे वो कितनी ईजली टूट रहे हैं, कितनी ईजली टूट रहे हैं, ये देखिए आपने देखा ये कितनी ईजली टूट रहे हैं, ये देखिए ये कितना मोटा है, कितना थिक है ये, और बहुत ईजली टूट रहा है ये। जबकि ये वाले देखिए हमारे बहुत थिन हैं, लेकिन ये बहुत हार्ड हैं और ये बिल्कुल भी नहीं टूट रहे हैं। तो आप जब भी क्ले पॉट लेने जाएं, अगर आपको हार्ड लेना हो तो आप थिन लें और स्मोकी ना हो, इन दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और अगर आप सॉफ्ट लेने जाएं तो या तो आपके थिक होने चाहिए, जैसे ये वाले हैं या ये वाले हैं, या देखिए ये वाले हैं बहुत ज़्यादा थिक हैं, या फिर स्मोकी हों। अगर स्मोकी होंगे तब भी वो सॉफ्ट होंगे, और अगर वो बहुत ज़्यादा थिक हैं तब भी वो सॉफ्ट होंगे। और मैं आपको थोड़ा सा ट्राई करके भी दिखाती हूँ कि ये स्वाद में कैसे हैं। बहुत ही अच्छा स्वाद है इनका। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।